गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर जैनेन्द्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जैन कॉलेज धुरवा से हूँ। आज हम लोग सेमेस्टर 3 के CC5 पेपर से यूनिट 1 में देखेंगे कि संप्रेषण क्या है या संप्रेषणात्मक मानव शास्त्र क्या है अथवा कम्युनिकेशन एंथ्रोपोलॉजी क्या है। यूनिट 1 में है क्या है संप्रेषण, इस पर आज हम विचार करेंगे। संप्रेषण के लिए अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है। कम्युनिस शब्द का अर्थ है जानना या समझना। कम्युनिस शब्द को कॉमन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है किसी विचार या तथ्य को कुछ व्यक्तियों में समानतया कॉमन बना देना। इस प्रकार संप्रेषण या संचार शब्द का आशय है यह है कि तथ्यों, सूचनाओं, विचारों आदि को भेजना अथवा समझना। इस प्रकार संप्रेषण एक द्विमार्गी प्रक्रिया है जिसके लिए आवश्यक है कि यह संबंधित व्यक्तियों तक उसी अर्थ में पहुँचे जिस अर्थ में संप्रेषणकर्ता ने अपने विचारों को भेजा है। यदि संदेश प्राप्तकर्ता संदेशवाहक द्वारा भेजे गए संदेशों को उस रूप में ग्रहण नहीं करता तो संप्रेषण पूरा नहीं माना जाएगा। अतः संप्रेषण का अर्थ विचारों तथा सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इस प्रकार पहुंचाना है कि वह उसे जान सके तथा समझ सके। इस क्रम में एडविन वी फिलिपो के शब्दों के अनुसार संदेश संप्रेषण या संचार अन्य व्यक्तियों को इस तरह प्रोत्साहित करने का कार्य है जिससे वह किसी विचार का उसी रूप में अनुवाद करे जैसा कि लिखने या बोलने वाले ने चाहा है। अतः संप्रेषण एक ऐसी कला है जिसके अंतर्गत विचारों, सूचनाओं, संदेशों एवं सुझावों का आदान प्रदान चलता रहता है। साधारण शब्दों में कहा जा सकता है या समझा जा सकता है कि संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित, सांकेतिक या प्रतीकात्मक माध्यम से विचार एवं सूचनाओं के प्रेषण की प्रक्रिया है। संप्रेषण हेतु संदेश का होना आवश्यक है। संप्रेषण में पहला पक्ष प्रेषक तथा दूसरा पक्ष प्रेषणी कहलाता है। संप्रेषण उसी समय पूर्ण होता है जब संदेश मिल जाता है और उसकी स्वीकृति या प्रतिउत्तर दिया जाता है। अतः यह मानव शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानवीय संप्रेषण को मानव शास्त्रीय तकनीक, विधि, दृष्टिकोण एवं सिद्धांत के आधार पर समझने, वर्णन करने, व्याख्या करने तथा विश्लेषण करने का प्रयास किया जाता है। सरल शब्दों में संप्रेषण का तात्पर्य विविध प्रकार की सूचनाओं के लेन देन से संबंधित है। मानव एक व्यक्ति है, साथ ही साथ वह सामाजिक प्राणी भी है। वह अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समाज पर आश्रित रहता है। अनेक प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे समाज के सदस्यों के साथ संप्रेषण करना पड़ता है। वह अपने विचार, भावना, इच्छा, स्वीकृति, अस्वीकृति, आदेश, आदेश पालन, ज्ञान विज्ञान, कला तथा अन्य सभी प्रकार की इच्छाओं को संप्रेषण के माध्यम से दूसरे तक पहुंचाता है तथा दूसरों से ग्रहण करता है। इस तरह संप्रेषण एक दो तरफी प्रक्रिया है। संप्रेषण में एक व्यक्ति सूचना भेजने वाला तथा दूसरा व्यक्ति सूचना प्राप्त करने वाला होता है। इस तरह हम पाते हैं कि संप्रेषण एक विधि है
जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। जो व्यक्ति सूचना भेजता है उसे सूचना भेजने वाला तथा जो व्यक्ति सूचना प्राप्त करता है उसे सूचना प्राप्त करने वाला कहा जाता है। लेकिन अगर सूचना प्राप्त करने वाला कुछ सूचना भेजता है तब वह सूचना भेजने वाला बन जाता है। उसी तरह जब सूचना भेजने वाला सूचना प्राप्त करता है तब वह सूचना प्राप्त करने वाला बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक ही व्यक्ति एक समय सूचना भेजने वाला होता है लेकिन दूसरे समय वह सूचना प्राप्त करने वाला बन जाता है। अतः संप्रेषण दो तरफी व्यवस्था है। इस व्यवस्था का संबंध सूचनाओं को भेजने तथा प्राप्त करने से होता है। संप्रेषण मुख्य रूप से मौखिक, लिखित या गैर शाब्दिक हो सकता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि संप्रेषण मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला, मौखिक संप्रेषण। जब कोई संदेश मौखिक अर्थात मुख से बोलकर भेजा जाता है तो उसे मौखिक संप्रेषण कहा जाता है। यह भाषण, मीटिंग, सामूहिक परिचर्चा, सम्मेलन, टेलीफोन पर बातचीत, रेडियो द्वारा संदेश भेजना आदि हो सकता है। यह संप्रेषण का प्रभावी एवं सस्ता तरीका है। यह आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के संप्रेषण के लिए सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है। मौखिक संप्रेषण की सबसे बड़ी कमी है कि इसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं होता है। दूसरा संप्रेषण है लिखित संप्रेषण। जब संदेश को लिखे गए शब्दों में भेजा जाता है जैसे पत्र, टेलीग्राम, मेमो, सर्कुलर, नोटिस, रिपोर्ट आदि तो इसे लिखित संप्रेषण कहते हैं। इसकी आवश्यकता पड़ने पर पुष्टि की जा सकती है। सामान्यतः लिखित संदेश भेजते समय व्यक्ति संदेश के संबंध में सावधान रहता है। यह औपचारिक होता है, इसमें अपनापन नहीं होता तथा गोपनीयता को बनाए रखना भी कठिन होता है। तीसरा महत्वपूर्ण संप्रेषण है गैर शाब्दिक संप्रेषण। ऐसा संप्रेषण जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है उसे गैर शाब्दिक संप्रेषण कह सकते हैं। जब आप कोई तस्वीर, ग्राफ, प्रतीक, आकृति इत्यादि देखते हैं आपको उनमें प्रदर्शित संदेश प्राप्त हो जाता है। यह सभी दृश्य संप्रेषण है। घंटी, सीटी, बजर, बिगुल ऐसे ही उपकरण है जिसके माध्यम से हम अपना संदेश भेज सकते हैं। इस प्रकार की आवाज़ें श्रुति कहलाती है। इस प्रकार से शारीरिक मुद्राओं जिसमें शरीर के विभिन्न अंगों का उपयोग किया गया हो उनके द्वारा भी हम संप्रेषण करते हैं। उन्हें हम संकेतों द्वारा संप्रेषण कह सकते हैं। हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को सलाम करते हैं, हाथ मिलाना, सिर को हिलाना, चेहरे पर क्रोध का भाव लाना, राष्ट्रगान के समय सावधान की अवस्था में रहना आदि यह सभी संकेत के माध्यम से संप्रेषण के उदाहरण हैं। जब अध्यापक विद्यार्थी की पीठ पर थपकी देता है तो उसे उसके कार्य की सराहना माना जाता है तथा इससे विद्यार्थी और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। संप्रेषण की कुछ विशेषताएं हैं जिसके वजह से मानव शास्त्र में संप्रेषण मानव शास्त्र का जन्म हुआ। संप्रेषण मानव शास्त्र अथवा संप्रेषण का महत्व या उसकी विशेषता क्या है? उसकी पहली विशेषता है संप्रेषण द्विगामी प्रक्रिया है जिसमें विचारों का आदान प्रदान होता है। दूसरा, संप्रेषण का लक्ष्य संबंधित पक्षकारों तथा सूचनाओं को सही अर्थ में संप्रेषित करना होता है। तीसरा, संप्रेषण द्वारा विभिन्न सूचनाएं आदान प्रदान करके पक्षकारों के ज्ञान में अभिवृद्धि की जाती है। चौथा, संप्रेषण का आधार व्यक्तिगत समझ और मनोदशा होती है। पांचवा, संप्रेषण में दो या अधिक अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। संप्रेषण व्यक्तिक और अव्यक्तिक दोनों प्रकार से किया जाता है।
सातवां, संप्रेषण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आठवां, संप्रेषण एक चक्रीय प्रक्रिया है जो प्रेषक से प्रारंभ होकर प्रतिपुष्टि प्राप्त के बाद प्रेषक पर ही समाप्त होती है। इसकी नौवीं विशेषता यह है कि संप्रेषण में संकेत, शब्द व चिन्हों का प्रयोग होता है, अर्थात संप्रेषण क्रियाओं का वह व्यवस्थित क्रम व स्वरूप जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, एक समूह दूसरे समूह को, एक विभाग दूसरे विभाग को तथा एक संगठन बाहरी पक्षकारों को विचारों, सूचनाओं, भावनाओं एवं दृष्टिकोणों का आदान प्रदान करता है, यही संप्रेषण प्रक्रिया कहलाती है। अतः संप्रेषण एक निरंतर चलने वाली तथा नैतिक प्रक्रिया है तथा कभी न समाप्त होने वाला संप्रेषण चक्र संस्था में निरंतर विद्यमान रहता है। संप्रेषण संगठन के व्यक्तियों एवं समूहों का वाहक एवं विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है। संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश को भेजने वाला संदेश के प्रवाह के माध्यम का प्रयोग करता है। यह माध्यम लिखित, मौखिक, दृश्य एवं सुनने के लायक होता है। संप्रेषण माध्यम का चयन संप्रेषण के उद्देश्य, गति एवं प्राप्तकर्ता की परिस्थिति के अनुसार किया जाता है। संप्रेषण माध्यम का चुनाव करते समय संदेश संवाहक यह ध्यान रखता है कि उसे कब और क्या संप्रेषित करना है। संदेश को प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश को प्राप्त करता है, उसकी विवेचना करता है तथा अपने अनुसार उसे ग्रहण करके उपेक्षित प्रतिउत्तर प्रदान करता है। आज हम देखें कि संप्रेषण क्या है, उसके प्रकार क्या हैं एवं उसके महत्व क्या क्या हैं। आज के लिए इतना ही करके अंत करता हूँ। धन्यवाद।